हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम की रसोई में। आज मैं आपके सामने पास्ता की इंडियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने लिए है 200 ग्राम पास्ता। एक कढ़ाई में पानी को गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, उसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें इसे तेज़ गैस कर देंगे और इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी के बॉयल होने के बाद हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो पास्ता हमारा तली में लग जाता है। पास्ता की रेसिपी बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पास्ता के उबलने में हमें कम से कम 8 मिनट का टाइम चाहिए। 8 मिनट हो जाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा पास्ता उबल गया है कि नहीं। 8 मिनट के करीब फ्रेंड्स हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा पास्ता बॉयल हो गया है क्या। इसे ओवर कुक नहीं करना है। पास्ता के निकालने के बाद हम इसे चाकू की सहायता से काट कर देख लेंगे। अगर ये इजीली कट जाता है तो इसका मतलब हमारा पास्ता बॉयल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। छलनी की सहायता से हम पास्ता को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हम इसे ताजे पानी से धो लेना है। देखो पास्ता फ्रेंड, देखिए हमारा पास्ता कितना खिला खिला तैयार हुआ है। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लेंगे। गैस को मीडियम ही रखें। तेल को गर्म हो जाने पर हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर हम इसे भून लेंगे। को डालकर हम कम गैस पर आधे मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जैसे ही भून जाए, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हम डाल देंगे। बारीक कटे हुए प्याज डालकर इसे भी हमें मीडियम गैस पर 1 मिनट के करीब भूनना है। इसको 1 मिनट के भूनने के बाद हम इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें टमाटर को मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। आप रेगुलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। रेगुलर लाल मिर्च 1/2 चम्मच के करीब ही डालें, क्योंकि वो स्पाइसी होती है। अब हम इसे मिक्स कर इसकी लीड लगा देंगे और कम गैस कर देंगे। करीब 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर पक जाएंगे। तो हम चेक करते हैं टमाटर कैसे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। टमाटर के भुनने के बाद हम इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। उसके लिए हमने लिया है बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और बीन्स बारीक कटी हुई, और गाजर बारीक कटी हुई। अब इसमें मिक्स करेंगे बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, इन सबको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें दोबारा से लीड लगाकर कम गैस पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद हम देखेंगे हमारी सब्जियां थोड़ी सी नरम हो गई है। इसे हल्का सा क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए अपने पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस डालेंगे और इसमें 2 चम्मच ही हमें रेड चिल्ली सॉस भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें हम
मिक्स हर्ब्स डालेंगे। मिक्स हर्ब्स से इसका टेस्ट अच्छा आता है, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए, पर मुझे ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने डाल दिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता कितना अच्छा तैयार हुआ, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो लीजिए हम इसमें कुछ बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं, तो मिक्स कर देंगे। अब गैस को ऑफ कर दीजिए। अब हम इसे सर्व करेंगे फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा पास्ता लग रहा है, यम्मी यम्मी सा हो गया है। तो आप भी बनाएं और हमें बताएं कैसा बना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें।